से समाज सेवा कर रहा था, जो महिला समाज सेवा कर रही हूँ, वहाँ के लोगों से पूछा गया, उन्होंने बताया ये कैंडिडेट हमें चाहिए हमारे एमएलए के, ऐसे लोगों से खड़ा किया गया और लोगों ने उनको चिता के दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब। दोस्तों के कैंडिडेट मेरा जी भाजपा आपके बीच में आ चुके हैं, वो हमारा हमारे कैंडिडेट बनाया गया है। माशाल्लाह विधानसभा और मुंबई में भी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से इंट्रोडक्शन करवाना। सिराजुद्दीन शेख, उसके बाद जो सात वार्ड है भाई खल्ला विधानसभा के, उनके कन्वीनर का इंट्रोडक्शन। कल्पेश जी, तीन खान तो थोड़ी हलचल मच जाएगी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। वहीं पे खड़ा होके आप वार्ड नंबर 207 शमशन जी, सच्चन जी किसी वजह से नहीं आ पाए, काम है। 208 वार्ड के गिरीश भाई, अपन हाथ में लेके जाएंगे, अपन उम्र में हाथ में घूमेंगे, नहीं फिक्र उसके लिए। वही बोल रहा हूँ सर, एक्सपीरियंस है। जनतंत्र में हमारा हक क्या होना चाहिए, आम आदमी बेबाक और निडर होना चाहिए। साथ से मिलके अंकल तो बना कर देंगे। हमने ये सोचा कि ये
जो काम विधायक में हो रहा है, हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छे लोग हैं, जो आईटी जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, बैंकिंग जानते हैं, वो काम हम यहाँ पर क्यों ना करें? तो हमारा जो पहले ऑफिस था, काफी लोग ये काम शुरू कर रहे थे चेन्नई में, गुड़गांव में, हमने कहा नहीं, हम मुंबई में शुरू करेंगे। और वो इसलिए कि मुंबई जो है वो हमारा कमर्शियल कैपिटल है, वो वित्तीय हमारा जो मतलब स्थान है, राजधानी है, कारोबार का, वो मुंबई में है। तो ये जो है बैंकिंग की जानकारी, फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी, वो हमारे कोर में रहती है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। उस वक्त यहाँ पर लोअर परेड में आप जानते हैं कई कपड़े के कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी जो बंद हो रही थी। तो सन 2002 में हमने वहां पर अपना काम शुरू किया। वहां पर कुछ नहीं थी, बस्तियां थी, चौल थे, काफी हमारे जो हमारे यहाँ पर आकर के काम करने वाले थे वो मिल मजदूरों के बच्चे थे, कईयों का घर नहीं था, लेकिन सबकी पढ़ाई हुई थी। वहां से हमने 5 लोगों के साथ शुरू किया, आज हमारे यहाँ 14,000 लोग काम करते हैं। मुंबई में कुल मिलाकर के 23,000, बाकी चेन्नई में और दिल्ली में। और जो हमने काम किया है वहां पर अरबों करोड़ों रुपया हमने अपने बैंक में बचाया, क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है सस्ते में होता है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये जो कंपनी है इसका नाम वहां पर हमारे बैंक में पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ पर सारे जितने भी हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिल सकते हैं उनको मिल चुका है। और हमने ये सोचा कि लोग ये ना समझे कि आप हमारे देश में, भारत में आप काम भेजे, यहाँ पर सस्ता हो जाता है, लेकिन जैसे हम कहते हैं चीनी माल सस्ता है लेकिन बच्चा नहीं, हमने ये कहा नहीं, जब भारत देश में होगा हाँ उसमें आपको किफायती फायदा होगा दाम के वजह से, लेकिन वो ऐसा क्वालिटी का होगा जहाँ आपको दुनिया भर में, और इसी नाम से हमारा जो यहाँ पर कारोबार शुरू हुआ है पूरे दुनिया में रोशन। उसके साथ साथ हमने एक दूसरा चीज भी शुरू किया, जैसे हम जानते हैं हम बहन हैं, हम आपकी महिलाएं हैं, हमने ये सोचा कि हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ना है। वो आगे कैसे बढ़े? जब वो अपना स्वाधीनता पाए, जब वो अपना काम करे, घर में बैठे बैठे अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं, जिसे हम माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं। तो वो हमने ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया, वो भी 2000 में शुरू किया था, और 5-6 सालों में हमने 650,000 महिलाओं को क्रेडिट दिया जो माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट दिया, और उसका हम देख रहे थे नतीजा बहुत अच्छा हो रहा। फिर हमने ये महसूस किया कि कई जगहों में ऐसी स्थिति है कि लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, मतलब वहां पर जो लोग रहते हैं जो मर्ज जात है वो छोड़ करके आ जाती है शहर में, क्योंकि वहां पर गुजारा नहीं होता, महिलाएं अकेले वहां पर अपने गांव में रहती हैं और छोटा मोटा काम कर देती है, कहीं पत्थर तोड़ती है, कहीं दोना बनाती है, मतलब आपको माइक दिया जाएगा, आपको माइक दिया जाएगा। तो हमने सोचा कि आप हाथ ऊपर करना, मैं आपको माइक याद कर अपनी कल बात करूं। ऐसे ही हम लोग ग्रांट फंड देंगे, मतलब पैसा देंगे, छोटा सा कारोबार शुरू कर देंगे, लेकिन वो भी पैसे के तौर पर ऐसे देंगे, किसी को 10 बकरियां दें, किसी को 50 मुर्गी दें, किसी को 2 ट्रैक्टर मतलब बनाने का, ऊन बनाने का कुछ साधन दे दिया, और उसके साथ साथ वेटरनरी असिस्टेंट दे दिया, मतलब वहां पर डॉक्टर जाएगा सुंदर के मुंह में, मतलब देखेगा ऊन बन बन दीजिए, ऐसे करेंगे कि वहां पर जो उनका जो सामान रखता है वो जो सबसे नजदीक शहर है वहां पर ले जाने के लिए, उनको थोड़ा दुकान बनाने के वहां पर भेजने के। और जो वहां पर शुरू हुआ हम देखते लगे कि इतनी जो गरीब महिलाएं थी हमारा जो उनको मतलब जो हमने उनको सहयोग किया वो ज्यादा पैसे का नहीं, मतलब 5-10 हजार का सहयोग किया, 1-2 साल में वो खुद ब खुद 50-60 हजार रुपया कमाने।
रात मैंने सोचा ठीक है मैं भी जाकर देखूं उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके हम उनसे यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं जो दूसरे इलाके में ले जा सकते हैं। तो इन पिछले दो सालों में मैं 15 राज्यों में और 120 गांवों पे ज्यादा जाकर इन महिलाओं के घर में उनके साथ एक दिन और एक रात मेरी चुकी हूँ। और उससे मैंने ये सीखा है और मैं ये आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि भारत देश बहुत गरीब है, हम कहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये आपको कि हमारे देश में और मैं दुनिया के कई शहरों में मैं कई जगहों में मैंने पढ़ा भी है, मैंने काम भी किया है, मैं ये आपको दावे से कहती हूँ जो हमारे देश के लोग हैं उनसे बेहतरी किसी देश में नहीं होती, उनसे होशियार, उनसे अच्छे, उनसे उनके दिल जितना बड़ा है, उनके कंधे जितने चौड़े हैं, वो कोई दुनिया में किसी शहर में किसी दुनिया में लोग नहीं, ऐसे हमारे लोग। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, आप ये कहोगे कि ऐसे मतलब 60-65 सालों में हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ा है, उन्नति क्यों नहीं हुई। और ये मैं आपको कहूंगी भाई और बहनों कि आप अपने परिवार को देखिए, जिस परिवार में माँ बाप अच्छे हों मेहनती हों उस परिवार के बच्चे बड़े होकर के मेहनती बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, मतलब बहुत मतलब अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, है कि नहीं। जिस छोटा सा आपका कारोबार होगा उस कारोबार का मालिक मेहनती होगा, ईमानदार होगा, तो वो फूलेगा फूलेगा। जिस मोहल्ले में अच्छे नेता होंगे वो मोहल्ला अच्छा होगा। और उसी तरह जिस शहर में जिस देश में नेता अच्छे होंगे, मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे, अच्छा काम करते होंगे, तो वो देश भी आगे बढ़ेगा, है। तो समस्या हमारे लोगों का ही ये नहीं है कि हमारा देश भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बहुत थोड़े लोग जो अफसोस हमारे नेता है वो बहुत भ्रष्टाचार, ये समस्या भ्रष्टाचारी भी नहीं वो अपना काम ही नहीं करते। अभी मैं आपको एक मिसाल दूंगी, अभी हमारा 15वीं लोकसभा चल रहा है, इस लोकसभा में आज के तारीख जो हमारे सांसद हैं उन्होंने कुल मिला करके 345 दिन काम किया। इसका ये मतलब हुआ कि पूरे 5 साल, अभी 5 साल पूरे आने हैं, अगले 2 महीने में 5 साल पूरे हो जाएंगे, 5 साल के पूरे टर्म में उन्होंने 1 साल से कम काम किया है। अभी आप ये सोचिए हमारे सांसद ने आज की तारीख में 160 ऐसे बिल हैं जो अब तक पास नहीं हुए, अभी पेंडिंग है। आप खाली दूरदर्शन देखिए, देखिए राज्यसभा लोकसभा में क्या हो रहा है, मतलब हमारी निगाहें शर्म से झुक गई, ऐसा होना चाहिए नहीं। और जो सबसे पुराना बिल है हमारे सांसद में वो 27 साल से ठहरा हुआ है कि कब पास होगा। और ये नहीं है, अगर आप अच्छा कहोगे अच्छा सांसद में बहुत बहस होनी चाहिए, लोगों को बहुत काम करना चाहिए, ये गंभीर बातें हैं, बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए, वक्त तो लगता ही है, आप ये भी कह सकते हो। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूंगी, एक ऐसा बिल है जो रिकॉर्ड टाइम में पास हुआ, एक दिन वहां पर पेश किया गया, 2 दिन के बाद लोकसभा ने पास किया, 2 दिन के बाद राज्यसभा में पास किया, यानी कि 4 दिन में यह पास हो गया। और वो कौन सा बिल था, अपना पगार, बिल्कुल सही, अपना पगार और पेंशन, एमपी सैलरी एंड पेंशन, ठीक है। वो बिल भी उन्होंने क्या किया 2010 में, 25 अगस्त 2010 में यह पास हुआ था। अपना उनका तनखा इन्होंने 300% बढ़ाया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो खर्चे का अमाउंट था उसने उसको 100% से ज्यादा बना दिया। तो ये बहुत गंभीर बात होती है, अपना ही पैसा खुद बनाओ, अपना ही पैसा खुद पास करो, वो 4 दिन में आप पास कर दोगे। लेकिन जो कितनी समस्याएं हैं हमारे देश के लिए उनमें सालों साल लग जाते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, लोकायुक्त का तो आप जानते ही है 40 साल से ऊपर हो गया अभी तक, मतलब जाकर के हमारी आम आदमी पार्टी हुई, अन्ना हजारे हुए, तब बहुत जबरदस्ती से वो भी जोगपाल बिल पास हुआ। तो समस्या हमारे देशवासियों से नहीं है, समस्या है हमारे नेताओं से। अभी इसका क्या समाधान, इसका समाधान जरूर चुनावों से लगा हुआ है। जो अभी भाई साहब कह रहे हैं ये सही है, चुनाव में अगर आप सही नेता लाओगे तो इससे अच्छा हो सकता है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं इससे मामला पूरा सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, नेता से कोई कम है। तो उनका ये कहना है कि हमें अपने देश में स्वराज लाना है। स्वराज का क्या मतलब हुआ? स्वराज का मतलब है जैसे हम यहाँ पर इकट्ठा होकर के जनसभा में बैठ रहे हैं, हम खुद तय करेंगे कि हमारी समस्या क्या है और उस समस्या का सुझाव क्या है। तो यहाँ पर आज यहाँ पर बाइकोला बाइकोली में हमारा ये पहला आम आदमी पार्टी का दक्षिण मुंबई का ऐसे एक बड़ा समूह में जनसभा हो रहा है। तो मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ और वो ये कि आज यहाँ से हमें कुछ नई चीज शुरू करें और उसको हम, जैसे आप कोई भी नाम दे, मैं जैसे आपको सुझाव दे रही हूँ, हम उसको स्वराज बैठक बोले, ठीक है। और आज की तारीख में हम यहीं से दक्षिण मुंबई से ये स्वराज का आंदोलन शुरू करें, चुनाव का आंदोलन। लेकिन हम यहाँ से स्वराज का अभियान शुरू करें ताकि चाहे इस चुनाव में, अगले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, अगर हम ये यहाँ से अभी से शुरू करते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता, ना चुनाव में। तो अभी ऐसा हमारे पास कितना वक्त है, मैं ये आपको, तो ये मैं आपको, ये एक्सपेरिमेंट है, मैं नहीं जानती इससे क्या निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमने हमारा सक्सेस हुआ तो हम यही चीज पूरे दक्षिण मुंबई में लगाएंगे। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए मेरे अंदाज से यहाँ पर कुल मिलाकर के 100-150 लोग होंगे। मान जाइए बात। तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर ग्रुप बैठ करके 10-10 का ग्रुप बना दीजिए, मतलब एक ग्रुप यहाँ से, मतलब 3-3 9 का बना दीजिए, कोई फायदा नहीं। ऐसा किसी पर बैठ करके ग्रुप बैठ करके जो आगे बैठा है चाहिए 10 का ग्रुप आप बना दीजिए जहाँ बैठे हैं, और वहां पर केवल 5 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा नहीं, और ग्रुप में डिस्कस कीजिए कि यहाँ पर बाइकला में हमारे अपने क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या क्या है। मान जाइए यहाँ पर बहन बैठी है, वो कहेगी सबसे बड़ा समस्या मुझे पानी का है। भाई साहब बैठे हैं, वो कहेंगे नहीं जी सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक का है। कोई और कहेगा नहीं भैया सबसे बड़ी समस्या गंदगी का, मतलब वैसे कई समस्या होती है। आप अपने ग्रुप पे निर्भर कीजिए और इसमें कोई सही गलत नहीं है, जो आपको लगे सबसे बड़ी समस्या इस ग्रुप में आप बताइए, फिर 5 मिनट के लिए सब लोग बात कीजिए, फिर हम सब ग्रुप से पूछेंगे। लेकिन आपको ग्रुप में तय करना है एक ही बात, मतलब अलग अलग बातें हो जाएगी लेकिन ग्रुप में आप वोट देकर के बोलिए अच्छा हम अग्री करते हैं सबसे बड़ी समस्या हमारी ग्रुप के लिए पानी का समस्या या जो भी, ठीक है। फिर हम सब ग्रुप से पूछेंगे कि आपका समस्या क्या है, कोशिश करें भाई साहब, और तो आप अभी बोल मिल जाइए बस 10
चल जा, मैं रफीका को बोलता हूँ। रफीका को बोलता
कुछ 60-80 साल पुरानी हो चुकी है, तो बीएमसी जो बिल्डर चौकी के साथ मिलकर अभी जैसे चौकी और बिल्डिंग गिर गई जिसमें बीएमसी ने उनका ध्यान नहीं दिया, तो वैसे लोग काफी खतरे की इमारतों में रहते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन बीएमसी के पास जाते हैं तो ना कोई फंड है, ना कोई एमएलए या कोई एमपी या कोई नगर सेवक के लिए कुछ काम करना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बिल्डर को भी तो बात में आती है, पर ये जो है उनको कुछ जो कंस्ट्रक्शन वगैरह या रिपेयर मेंटेनेंस से कुछ कर देनी है और वहां जाते तो यही प्रॉब्लम है। कोई भी कार्यालय में जाते कोई भी काम कराते तो रिश्वत देते, रिश्वत सबसे बड़ा गंदा मसला है, ये सबसे बड़ा मसला है। एडमिशन ले लीजिए, लास्ट तक मरने तक मरने का भी सर्टिफिकेट ले जाओ तो रिश्वत दे उसको पार्लियामेंट को पास कराए, जो मतदान होते हैं वो भी कांग्रेस वो बीजेपी पार्टी कभी पास नहीं कराएंगे, इसलिए कि जो क्रोध होता है ना कभी साहूकार को आगे नहीं देता, जैसे बीजेपी पार्टी है। मेरा दूसरा एक पॉइंट है कि जो मतदाता मुखाली बिल है उसको आम आदमी पार्टी जोर वोट लगा करके अपनी ताकत पैदा करके हिंदुस्तान में उसको पार्लियामेंट में पास कराए, इस बार कितना परसेंट हमारी आबादी के हिसाब से एमपी में एमएलए में कॉर्पोरेटर में कहीं पे भी केजरीवाल जैसे गुलाम सिंह यादव मुसलमानों को नेता नहीं, हमारे यहाँ पर कितनी भी खड़ा है मुसलमानों के हिसाब से वो एमपी एमएलए जैसी है, तो क्या केजरीवाल जी मुसलमानों को कितनी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एमपी में एमएलए में सांसद जो भी हुए, ये तीन सवाल है आप केजरीवाल जी को बताइए। ये स्वराज बैठक है तो पहले मैं लोगों से जैसे आपने ग्रुप फॉर्म किया आप अपने ग्रुप से बताइए आपका सबसे बड़ा समस्या क्या है, तो अगर सबसे समस्या पीछे वाले लोगों ने की समस्या आपके पास नहीं है बताइए ना, जो आपके समस्या है प्लीज बताइए जो पीछे वाले ग्रुप है, तो कोई ज्यादा ही नहीं जो भाजपा कांग्रेस करती है, अगर आम आदमी पार्टी ने भी कोई समस्या जिसका ज्यादा नहीं है जिसका हाइक है वो भी बताएगा तो फिर बड़ा नहीं हुआ, तो मैं चाहती हूँ जो ग्रुप में डिस्कस हो चाहे वो कुछ भी हो, देखिए कितनी नई नई बातें आई है, मैंने आज तक कई ऐसे बैठक हुए हैं एक दो आदमी बोलते हैं मैंने टैक्सी की बात कभी नहीं सुनी है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, तो ये हमें चाहिए कि जो ग्रुप में डिस्कस हुआ हो वो आप बात बताइए प्लीज। इंजर्ड हो गए सब कुछ हो गए मगर यहाँ पर गवर्नमेंट की नौकरी के लिए मराठी बनते हैं, अब बच्चे हमारे मराठी तो पढ़े ही नहीं है तो उनको नौकरी नहीं मिलती पार्टी के अलावा, उसके लिए भी आप कुछ कोशिश करेंगे मुसाफा जो लोग थोड़ा इस चीज के अंदर आगे बढ़ाने के लिए बोला था। आप बताइए अगर पानी और खाना नहीं मिले कोई भी चिंता नहीं कर सकता दुनिया, आप तलवार नहीं चला सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते हो हथियार नहीं चला सकते हो जब तक इंसान के अंदर जिसम में ताकत नहीं रहेगी, और ताकत लाने के लिए अनाज चाहिए इंसान को, और अनाज को महंगा किया जाता है दूध दही लस्सी जितना भी है हर इंसान को दूध चाहिए पैदा होने से पहले पैदा होने के बाद और पैदा जवानी में बुढ़ापे में दूध चाहिए और दूध 60 रुपए लीटर मिल रहा है कोई गरीब खा सकता है या पी सकता है नहीं रहता है नहीं रहने के बाद सबसे बड़ा मतलब आता है, और यहाँ पे जितने भी ये जो है जो डबल 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 बाकी आगे रहते हैं और कोई उस चीज को हल नहीं करता, इस चीज के लिए हम लोग ने इतनी मुहिम भी चलाई, पीछे महत्व भी बैठे हैं उन्होंने भी इस चीज को उनके जरिए दिखाया, हम अपने एमएलए के बाद भी एम पी को भी लेटर दिया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं, अगर इन गली में अगर एम्बुलेंस लाना हो तो हम लोग नहीं ला सकते, उन्होंने कहा कि महिलाओं का छेड़छाड़ सबसे बड़ी समस्या है, ग्रुप नंबर दो ने कहा कि कोई टैक्सी नहीं मिलती महिलाओं ये सबसे बड़ी समस्या है, ग्रुप नंबर तीन जो भाई साहब वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों का आइडेंटिटी कैसे बनेगा वो सबसे बड़ी समस्या है, ग्रुप नंबर चार ने कहा बिन मजदूरों के लिए घर नहीं,
के एडमिशन के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। ग्रुप नंबर 6 ने कहा बिल्डर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हो रही है वो सबसे बड़ी है। ग्रुप नंबर 8 वहां पर भाई साहब बैठे थे उन्होंने कहा सफाई और गंदगी की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात। ग्रुप नंबर 9 ने दोबारा बिल्डर लॉबी की बात उठाई। ग्रुप नंबर 10 यहाँ पर आपने कहा कि इलेक्शन कार्ड वहां पर प्रॉब्लम है कि इलेक्शन कार्ड नहीं मिल रहा है। ग्रुप नंबर 11 ने ये जो बिल्डर के हैं दूसरी तरफ से कहा कि अच्छा कई ऐसे बिल्डिंग हैं जो बहुत पुराने हैं उनको कोई नहीं देख रहा है माडा बीएमसी कोई नहीं देख रहा। ग्रुप नंबर 12 ने कहा भ्रष्टाचार जहां पर भी जाओ जीने पर मरने पर जो भी है भ्रष्टाचार ही होता है। ग्रुप नंबर 13 ने कहा बहुत गंदगी है और तो इस वजह से कि ऑर्डर बहुत ज्यादा नहीं है। ग्रुप नंबर 14 ने कहा कि सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है इसलिए कि हम मनाही नहीं करते। ग्रुप नंबर 15 ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ी बात है और जैसे मैंने समझा है घूस की महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। ग्रुप नंबर 16 यहाँ पर जनों ने कहा कि बिजली का बिल सबसे बड़ा समस्या है। ग्रुप नंबर 17 जो यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं उन्होंने कहा रीडेवलपमेंट सबसे बड़ी समस्या है। और ग्रुप नंबर 18 जो अभी यहाँ पर भाई साहब आए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं अभी। अच्छा ये देखिए 18 ग्रुप में अलग अलग समस्याएं निकली हैं और जरूर ये भी होगा कि आपने अपने ग्रुप में जो डिसीजन हुआ था अलग अलग बातें निकली होगी फिर आपने एक समस्या उठा लेकिन मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 15-16 ऐसे चीजें हैं जो गंभीर समस्याएं हैं यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है अभी हम लोग मिल करके क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है हम देख रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है हम लोग वोट करेंगे। ठीक है कि हम सब की राय है सबसे बड़ी समस्या क्या है। ठीक है अगर अभी आपको एक ही वोट मिलेगा जैसे हमारे चुनाव में होता है ठीक है और हम यकीन करते हैं कि आप चीटिंग नहीं करोगे एक ही चीज के लिए आपको हाथ उठाना है। ठीक है तो हम अभी वोट करते हैं मतलब पूरे में जाएंगे कि वोट करेंगे देखते हैं कि सबको लगता है इन सब चीजों में से आज जो बैठक में हमें डिस्कस करना है ये नहीं कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम कौन सी समस्या को डिस्कस करेंगे। ठीक है तो आप हाथ उठाइए अगर आपको लगता है कि महिलाओं का छेड़छाड़ सबसे बड़ी समस्या है जिसे हम आज डिस्कस करना चाहते हैं हाथ उठाइए अगर आपको लगता है ये सबसे बड़ी समस्या है। और पीछे का हिस्सा स्कूल का देगा
ठीक है, आगे इसमें नहीं बता पर क्या बड़ा पहले मतलब आगे आगे है वो महिलाएं है वो क्योंकि इस बारी हम तो लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी लड़ रहा है, हम अपने सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे असूलों के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए, स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे खिलाफ खड़े हैं वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए, जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, है कि नहीं? वो तो आदि हो गया है कि ये जो पैसे आ रहे हैं बीएमसी के पैसे वगैरह उसका हम कितना हिस्सा ले सकते हैं, है कि नहीं? तो उनके लिए ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, उनके जीवन मृत्यु की बात हो गई, हो ही गई। तो ये आप कदापि नहीं सोचिए कि ये आसान हो जाएगा। कई लोग हमें कहते हैं कि ये हम चुनाव जीत चुके, नहीं भाई और बहनों, ये बहुत गहरा लंबा सफर है, युद्ध है, लेकिन हमें अच्छी तरीके से लड़ना है, एकदम शांतिपूर्वक नम्रता से, ठीक है? जैसे अरविंद जी कहते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा, किसी के खिलाफ हाथ नहीं उठाना है, किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, बस शांतिपूर्वक हमें ये करना है। और कैसे करना है? हमें हर एक बिल्डिंग में, हर एक चौल में, हर एक गली में एक बिल्डिंग चैंपियन, एक वॉलेंटियर चाहिए। एक एक पोलिंग बूथ के ऊपर हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो ये निश्चय करे कि ऐसा बाइकला बाइकुल में ऐसा कोई घर ना हो जहाँ आम आदमी पार्टी का सदस्य जाकर के नम्रता से दरवाजा न खटखटाया हो, समझाया हो कि आम आदमी पार्टी किस लिए खड़ा हो रहा है, हमारे मूल्य क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है। उनको प्लीज ये भी समझाइए कि यहाँ पर यहाँ के सांसद के सदस्य जो चुनाव के लिए खड़े हैं वो मैं हूँ, मीरा सन्याल हूँ, आप मुझे थोड़ा कुछ पहचान गए हैं, बताइए कि जरूर जाकर के वोट क्लियर करें। ये बहुत जरूरी बात है, हमारे शहर में 40% से कम लोग वोट देते हैं, ये तो बहुत कम है। यहाँ पर ऐसा कोई घर ना हो जहाँ पर लोग बाहर जाकर के अपना वोट डालें, ये हम आपसे चाहते हैं, प्लीज इसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि इसी से हमारा देश का प्रताप है। हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप भी यहाँ पर बाइकला में हम इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आम आदमी पार्टी का यहाँ पूरे दक्षिण मुंबई से बेहतर है। तो यहाँ से बदलाव शुरू होगा बाइकला से, और इससे मैं हाथ दिए मैं अपना भाषण बंद करती हूँ। कई लोगों ने कहा है कि वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। थैंक यू, जय ऊपर और पर दोपहर को 3 बजे डोर टू डोर चैंपियन की पूरी ट्रेनिंग की जाएगी, तो सभी उपस्थित है। उन सब पे क्यों आए हुए हैं बोलिए। आम आदमी पार्टी का जो है बताने आए ये इसलिए आए हैं कि आपको अपनी अपनी ताकत दिखाने आए हैं कि आपकी ताकत है वोट, और जिस दिन इलेक्शन होगा हम 40 तक का लोग खाली पीछे उतरते हैं, 60 लोग 60% लोग जो बाहर चले जाते हैं, तो ये आपको याद दिलाने आए कि जो 60% लोग बाहर घूमने जा रहे हैं वो बाहर मत जाइए और अपनी ताकत को आजमाइए। आपको अगर पता है हमारे जो संसद है वो सिर्फ 17% वोट का है, जितना 17% वोट, ये 17% वोट जो है वो हम पे 100% पे राज कर रहा। आप चाहते हो कि 17% वोट हमारे 100 लोगों के साथ राज करे? अगर ये चाहते हैं तो आपको ऐसे बैठ के काम नहीं करना पड़ेगा, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, बिल्डिंग में जाना पड़ेगा और सबको वोट के लिए उतरना पड़ेगा। उतरोगे? सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लक्ष्यबाजी से काम नहीं चलेगा। और हम अगर राज में आएंगे तो हम क्या करना चाहते हैं उसकी कई कई मिसाल हम आपको बताते हैं। पहली बात यह है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपको सभी को पता है कि 2003 में सिर्फ 97 पैसे से हमको यूनिट आती थी, कितने पैसे से आती थी? और आज लगभग 12 रुपए से आ रहे हैं। आपको पता है क्यों हो रहा है? आप ऐसे 12 रुपए यूनिट देना चाहते हो क्या? तो आप अभी तक चाहोगे क्या? आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है आपका? तो अब तक क्यों नहीं देखा आपने? आप खाली दूसरों पे हमारे लीडरों पे जवाबदारी डाल रहे हो और हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा काम से कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना है। जिस दिन आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखोगे तब आपको पता चलेगा एक ट्रांसपोर्ट डिवीजन लॉस रिकवरी करके कायदा हो गया है,
वो ट्रांसपोर्ट डिवीजन लॉस जो रिकवरी हो क्या है कि हमारे जो बसेस यहाँ से मुलुंड तक चलती है, वहां से बिलासपुर तक चलती है, वो सभी का पैसा हम सिर्फ 10 लाख लोग दे रहे हैं। कितने लोग दे रहे हैं? 2.5 करोड़ लोगों का कर्जा कौन दे रहे हैं? सिर्फ 10 लाख लोग क्या देना चाहते हो? तो अब तक आप सब सुने क्यों है आपको? हम यहाँ दिल्ली तक कर रहे हैं, हम सब जगह लड़ने पर आपको किसी को पता नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे में ज्ञान की कमी है। क्या कमी है हमारे में? ज्ञान। ज्ञान की कमी है तो ज्ञान को आप लोग हमारे अंदर को आप लोग और उसको वापस के देखो कि हम हमारे ऊपर ये जो कांग्रेस और भाजपा है हम पे राज क्यों कर रही है? हम पे राज इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारे हक को वापस दे रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो आज के बाद हम ये कोशिश करेंगे हर जवाब हम पूछेंगे हमारे सांसदों से कि आपने ऐसा क्यों किया। अब मिसाल के तौर पर हमारे गैस की कीमत जो है वो 300 रुपए से 1200 रुपए पे गई। आपने कभी सोचा है कि ये क्यों हो गया है? कभी आपने सोचा है कि हमको रस्ते पे उतरना है? कभी आपने सोचा है हम हमारे विनीत देवड़ा को पूछेंगे इसके बारे में कि आपके पिताजी तो गैस के मिनिस्टर थे? कभी किसी ने सोचा है? क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? क्योंकि आप लोगों का आराम से बैठ के आदत हो गई है। ये हम आम आदमी पार्टी आपको करने नहीं देंगे, हम आपके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, हम आपको मजबूत बनाएंगे, आपको रस्ते पे उतारेंगे और आपको निर्भर बनाएंगे। वो जमाना भूल जाओ कि आप हम आपके लिए काम करेंगे नहीं करेंगे, हम हर लीडर का पता करेंगे और हम लीडर से काम कराएंगे तो ही हम लड़ाई जीत सकते हैं। बिना समय और सबकी प्रॉब्लम लेके नहीं रह सकते। आप 100 लोग आ जाएंगे और काम कर पाएंगे, वो अपने 200 भी नहीं पाएंगे। तो आप उससे जो मांगते हैं वो बिल्कुल गलत है। आप अपने आप को इतना बुलंद बनाओ कि बिना समय आपके पास आवे। आपको हमने सिर्फ आने से लोकपाल सॉरी आम आदमी पार्टी सिर्फ आने से क्या है वो आपको किसको पता है? यहाँ तक कि भाजपा जो गवर्नमेंट बनाने के लिए भी तैयार है, आज तक जो भारतवर्ष में हुआ है मैक्सिमम मेजोरिटी के लिए है वो गवर्नमेंट नहीं करती है। बस सिर्फ आम आदमी आने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई और मेजोरिटी होने के बाद भी वो गवर्नमेंट नहीं बनाती है। उन्होंने हमारे सीएम को भी बदली किया, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बिल कम करने की बात की, इलेक्ट्रिक वाटर बिल कम करने की बात की, प्रॉपर्टी टैक्स कम करने की बात की। ये तो सिर्फ दिल्ली में हमारी आवाज सुनी है। तो ये हालत है कि अगर हम भारत में आएगी तो हमारी क्या हालत होगी इसके बारे में आप देखिए। ये दबाता हूँ कि ये ताली बाजने बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको रस्ते पे उतरना पड़ेगा, वोटिंग के नीचे उतरना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपकी ताकत क्या है उनों से। और ये संसदों ने आज तक जो आपको लूटा है इसके आगे उनकी दादागिरी हम नहीं सुनेंगे। हम मालिक है और वो हमारे नौकर है, इतने बोलने की हमारे में ताकत आनी चाहिए और ये हम हमने आम आदमी पार्टी ने दिया है। आपने कभी सोचा है कि जो 12 रुपया चावल मिलता था 60 रुपया चावल हो गया, किसी ने सोचा है हमें क्या करना है? ये क्यों हो रहा है? कभी किसी के ध्यान में आया है क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम अपने वापस ना चाहते हैं, हम खाली सोचते हैं, हम दूसरे को गाली देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा ये जो फूड बिल बढ़ा है उसका दो कारण है। एक तो एपीएमसी मार्केट है जो हमारे शरद पवार जी ने बनाई हुई है, उसके वजह से वो भाव तय करेंगे कि क्या भाव से करना है। और दूसरा बात है कमोडिटी मार्केट, जो पैसा है वो उनको लगा देंगे, वो एक्चुअली खरीदी नहीं करेंगे, उसके वजह से अपने भाव से वो बेचते हैं। क्या आप ऐसे फूड बिल चाहते हो? क्या आप ऐसे फूड बिल का चाहते हो? वो नहीं चाहते हो तो आम आदमी को आपको वोट देना पड़ेगा। ये जो फूड बिल आए हुए है वो सिर्फ हमको बेवकूफ बनाने के लिए आए हुए है। ये 2 रुपए और 3 रुपए से चावल देके हमको काम चोर बनाते हैं, हमको काम करने से वंचित करती है। हमको काम चोर नहीं बनना है। हमारा ये जो फूड बिल का पैसा है उसको डेवलपमेंट में लगाओ, हमको नौकरी दिलाओ, हमको नरेगा नहीं चाहिए। नरेगा का मतलब जानते हो क्या? नरेगा का मतलब आपके पास नौकरी नहीं है तो आप मजदूरी के काम करो, आप रास्ता खुदाओ। आप ये काम करना चाहते हो क्या? अगर नहीं करना चाहते हो तो हमको नरेगा नहीं चाहिए, हमको हमारी जो चाहिए वो नौकरी चाहिए, हमको मजदूर की नौकरी नहीं चाहिए। ये हमारे कांग्रेस और भाजपा को हमको बताना है और ये बताने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वोट देना है। अगर आप वोट भी नहीं दे पाओगे तो इसके आगे आप हमसे कुछ भी उम्मीद मत कीजिए। दूसरी बात, लास्ट करप्शन की बात करता हूँ कि आज हमारे देश की हालत है करप्शन की वजह से, करप्शन की वजह से हो रही है। आपको पता है कि करप्शन के लॉस क्या है? हम अगर 1,76,000 करोड़ के फ्रॉड करते हैं तो हमको 5 साल की सजा 25 साल के बाद भी होती है, उसका अपील होते हैं तो हमको सजा तो होती ही नहीं।
आज अमेरिका के हम तो बात करते हैं कि अमेरिका में टैक्स ऐसा है, इसका भाव ऐसा है, अमेरिका में 1.5 साल में उनकी सजा होती है और उनको 30 साल की सजा होती है, क्या आप चाहते हैं तो 5 साल की सजा हो और 30 साल की सजा हो, जो हमारे लोकपाल में और लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ऐसे अगर खतरनाक लॉज नहीं आएंगे तो करप्शन को हम नहीं रोक पाएंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको आपको सीज करना पड़ेगा, और यही जो है हमारे केजरीवाल जी करना चाहते हैं, क्या आप ऐसे लॉ लाने के लिए शामिल हो जाते आज से दक्षिण मुंबई का जो कैंपेन है लोकसभा चुनाव के लिए, हम यहीं से बाइकला और मुंबा देवी के भाई और बहन यहाँ पर आए थे, जितने भी यहाँ पर वार्ड के कन्वीनर है, को कन्वीनर है, वो सब एकत्रित हुए थे, और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि हमने ये कहा कि हम भाजपा और कांग्रेस की तरह हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव हमारा स्वराज का चुनाव है, जैसे आपने देखा आप खुद यहाँ पर थे, सारे जो हमारे जितने भी भाई बहन थे सब एकत्रित होकर के अपने अपने ग्रुप में उन्होंने डिस्कस किया कि अच्छा हमारी समस्याएं क्या हैं, हम उसका क्या हल निकाल सकते हैं, और फिर जैसे आपने सुना ये वो रास्ता है कि हम किसी और से कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपने ऊपर राज करेंगे, उसी तरीके से कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, हम दंगा नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में काम करेंगे, तो ये हमारा आपका सिद्धांत है, स्वराज का जो सिद्धांत है वो आज दक्षिण मुंबई में बाइकला और मुंबा देवी में शुरू हुआ है। अब बताया जाता है कि मुंबा देवी की जो सीट है बड़ी चैलेंजिंग सीट है, आपने इस चैलेंज को स्वीकार किया है, उसमें जिस तरीके से आपने लोगों की समस्याओं को पूछा गया, आपको लग रहा है कि आप इतनी सारी समस्याओं को पूरा करने में, हल करने में कुछ हल निकाल पाओगे? भाई साहब यही तो बात है, मैं कुछ नहीं हल कर सकती हूँ, आप देखिए इस ये आपका वादा ही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब एकत्रित करके उस हल प्रॉब्लम का हल निकालेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, बेशक सफल होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरीके की समस्या है आपने बताई, एमपी से रिलेटेड नहीं, बिल्कुल सही, एमएलए और नगर सेवक के रिलेटेड समस्या है, उस समस्याओं को आप किस तरीके से सुलझाओगे? तो ये देखिए भाई साहब यही तो बात है, क्योंकि जो लोगों की जो दैनिक जीवन में समस्या है वो हमेशा कॉरपोरेशन और एमएलए से ही जुड़ी हुई होती है, क्या समस्याएं होती हैं, पानी की, बिजली की, महंगाई की, स्कूल में दाखिला की, हेल्थ केयर की, मतलब यही तो प्रॉब्लम होती है दैनिक जीवन में, और वो हमेशा कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई एमपी आकर कहे नहीं नहीं भैया ये तो बीएमसी का प्रॉब्लम है, ये तो उसका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप वहाँ से एमपी क्यों चुने जा रहे हैं? आपको लोगों से जुड़ाव होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि समस्या क्या है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को एकत्रित करके उनको मजबूत बना करके उनमें से नेताओं चुनना है कि हम सब साथ होकर के, जैसे यहाँ पर बात चर्चा हुई ट्रैफिक लाइट की, अच्छा इसका दो तीन हल हो सकते हैं, एक तो ट्रैफिक है ज़्यादा, दूसरा या तो ट्रैफिक लाइट नहीं चल रहा है या तो पुलिस वाला नहीं है, लेकिन हम जो नागरिक हैं हमारे भी हाथ में है, अगर यहाँ पर हर कोई वादा ले लेता है कि हम ट्रैफिक लाइट के ही बल पर चलेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, है कि नहीं? गंदगी जो होती है अगर हम सब एकत्रित होकर के कहेंगे कि हम अपने घर से बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे तो गंदगी कम हो जाएगी, ये नहीं कि बीएमसी का काम नहीं है, बीएमसी का काम ज़रूर है, हम अगर मोहल्ला सभा बनाएं, हम निगरानी रखें तो बीएमसी भी काम करेगा, है कि नहीं? अगर हम खुद का अकाउंटेबिलिटी लें तो आम आदमी पार्टी और दूसरे पार्टियों में यही फ़र्क है, यहाँ पर ऐसा कोई नेता नहीं है कि हाँ भैया मुझे चुन लो मैं सब ठीक कर लूँगा, ये दूसरे नेता कहते हैं, आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब मिल करके इस प्रॉब्लम को हल कर देंगे, इसी तरीके से हमारा मोहल्ला, गांव, शहर, देश बढ़ेगा भाई साहब। एक्चुअली हमारी जो कैंपेन जो है पब्लिक मीटिंग कल से शुरू हुई थी, आप हाँ आपको शायद पता है योगेंद्र यादव जी आए थे हमारे शहर में, अंधेरी में एक बहुत बड़ा जनसमूह था,
नहीं नहीं, दक्षिण मुंबई के लिए एक्चुअली दक्षिण मुंबई का भी कल से शुरू हुआ था. दक्षिण मुंबई का जितने भी मतलब हमारे आपके सपोर्टर थे, हम गए अंधेरी में चर्च गेट स्टेशन से. सब कोई अपने हाथ में झाड़ू उठाए हुए, टोपी पहने हुए, राष्ट्रीय झंडा लिए हुए. हमारे जो सागर शर्मा साहब हैं यहाँ पर, जो हमारे दक्षिण मुंबई के कन्वीनर हैं, मैं सबको बताना चाहती हूँ, ये जिंदा जागता मिसाल है आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों का. कन्वीनर होते हुए अपने हाथ में उन्होंने झाड़ू उठाया और वो लीडर बने. एक एक स्टेशन में हम उतरे, वहाँ पर हम राष्ट्रीय गीत हम गाने लगे और वो झाड़ू कर रहे थे स्टेशन में, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर भी सफाई करेगा, लोगों के दिलों पर भी सफाई करेगा, भ्रष्टाचार का भी सफाई करेगा. तो प्लीज तालियां बजाइए सागर शर्मा जी. देखिए, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज के तारीख में हमारे देश में बहुत बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव केवल हम ही ला सकते हैं, ये और कोई नहीं करेगा. यही मौका है 2014 में. आप प्लीज़ वोट कीजिएगा, चाहे आप जिसको भी वोट देना चाहिए, लेकिन एक अच्छे इंसान को, एक मतलब सच्चे इंसान को, उसी को वोट दीजिए. भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, गुड गवर्नेंस को लाने के लिए ये एक ही मौका है, इसको मत गवाइए.